दोस्तों दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, एक तरफ भरत हुड्डा तो दूसरी तरफ उनके जोड़ीदार नीरज नरवाल नंबरदार, दोनों भाई साथी कमाल के खिलाड़ी दोनों, और दोनों बेस्ट फ्रेंड है। भरत हुड्डा, रोहित तोमर, नितिन तोमर जैसी स्टारों से सजी हुई टीम, और सामने क्या कमाल का प्रदर्शन करने वाली है टीम है। कौन पहुंचेगा फाइनल में, कौन खेलेगा, क्या बेहतरीन है कमाल का, सौरभ नंदल का जबरदस्त एंकल होल्ड, हार हुए बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम, नीरज नरवाल क्या कामयाब हुए हैं, और बिल्कुल कामयाब हुए हैं, सुरजीत को बाहर किया है। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त आशीष, आशीष ने बाहर किया है मोहित रंडल को, बेहतरीन और टफ मुकाबला, कौन खेलेगा यूपी के साथ फाइनल, यूपी योद्धा की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, टिकट कटा चुकी है फाइनल का, कम से कम 71,000 रुपए की इनामी राशि की हकदार हो जाएगी टीम जो भी फाइनल में पहुंचेगी, यूपी पहले ही 71,000 को क्या 1,00,000 बनाएगी। नीरज नरवाल एक बार फिर बेहतरीन जबरदस्त एंकल होल्ड किया भरत ने, और सपोर्ट आया अंकुश राठी का, भरत हुड्डा कमाल का खिलाड़ी 81 नंबर 11 के साथ, नीरज नरवाल और भरत हुड्डा बिल्कुल करिष्ठ मित्र है, कमाल का बचाव, नरेंद्र कंडोला इस सीजन की खोज है, और खोज को भार किया है नितिन तोमर ने, कमाल का प्रदर्शन करते हुए चार का डिफेंस, रोहित तोमर अभी श्री गुलाम सिंह भैया जी ने बताया आगे के मैच में लाइनमैन भी ऑफिशियली लगाना, ऐसे बेहतरीन गेम चलता हुआ, जबरदस्त गेम दोनों टीमों की तरफ से, रोहित तोमर चार के डिफेंस में क्या भेज पाएंगे, धन्यवाद। प्रतीक दहिया पहली बार रेड में सेमीफाइनल की, आपका मान सम्मान है, आप हमारे हमेशा की लगेगी लेकिन श्री सचिन, श्री रवीन और श्री दिवेश तीनों मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है, कमाल एक बार मंच पर है, कहर बरपाता है, इस बार रिव्यू की मांग की है, भाई टेप लगा दो, ये जिन साथी की जिम्मेदारी लगाई है वे टेप लगा दे, सब इंस्टीट्यूट किया गया है, रिव्यू लिया गया था जिसे खारिज कर दिया, रेडर सेफ है, सब इंस्टीट्यूट किया गया है, पवन हुड्डा सॉरी पवन कादजान को अंदर लेकर आए हैं, और जो क्या बेहतरीन किक लगाने का प्रयास, यहां जरूर किक लगाई है, बेहतरीन मुकाबला, क्या मोहित रंडल आउट हुए हैं, क्या जिद अभी भी जारी है, जंग जारी है, सेल्फ आउट हुए हैं, वन पॉइंट दिया गया है नेवी को, प्लेयर को आउट दिया गया था, पवन का ध्यान, बहुत ही बोनस का प्रयास, बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, अगर रिवाइवल लाना है तो टच पॉइंट लाना होगा, रोहित तोमर को किक लगाई है, मल्टी पॉइंट रेड होनी चाहिए, बोनस प्लस वन मल्टी पॉइंट रेड, बेहतरीन दूसरी किक, मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट, 6-5 स्कोर है, 6 स्कोर है नेवी का, 5 स्कोर है,
بہترین ہائی ٹچ سات پانچ سکور دو کھلاڑی بچے ہوئے ہیں کورٹ میں کیا پھر ٹالیں گے اور آؤٹ کو پون کا دھیان ایک بار پھر رن بہت کا پریاس کیا ڈیش ملے گا بہترین ڈیش ون ون ایچ بال ضرور ملا ہے اور ڈیش ملا دیکھنے کو آل آؤٹ ملتا ہوا لیڈ دھیرے دھیرے بڑھتی ہے بہترین دو ٹچ کیا ہے نریندر کنڈولا نے اور ایک اور پوائنٹ ملتا ہوا مقابلہ ٹف لگتا ہوا بہترین مقابلہ چلتا ہوا بولس کا پریاس بھرت ہڈا کا مقابلہ ٹف امن شرم آؤٹ ہوئے ہیں بولس پلس ون پوائنٹ نریندر کنڈولا کمال کا پردرشن کر رہے ہیں اس سمے ایک اور پوائنٹ لوز کرتے ہوئے روہت تومر سامنے سے آئے نتن تومر روہت تومر دونوں بہترین پردرشن کرتے ہیں بھارت ہڈا کیا بہترین نریندر کنڈولا سامنے سے نکل کر آئے بہترین ٹیکل دیکھنے کو ملا ہے پرتیک دہیا پاس کٹ فیش کیا یہ ڈیش ٹو پوائنٹ بہترین ٹو پوائنٹ کی ریڈ ملٹی پوائنٹ ریڈ کی تھی پرتیک نے نتن تومر بہت ہی پردرشن کر رہی ہے ٹیم واپسی کرتی ہوئی اور ایمپی ریڈ دیکھنے کو ملے گی بالکل ٹو اور ڈائی پر کھیلنا چاہیے ٹیم پانچ سو روپے تھے ایک ریڈ ریڈ کی پکڑ پر نتن تومر کی اور پکڑ کی ہے پرتیک ایک طرف سرجیت دوسری طرف سب اسٹیک کیا ہے لاسٹ کھلاڑی بچے ہوئے ہیں شون لاسٹ کھلاڑی کیا آل آؤٹ کو ٹال پائیں گے بہترین ہمارے اپنے گاؤں سسانا کے اسٹیڈیم میں اٹھارہ سنسان ان کا بھی ایک بار پھر سے ہم کبڈی پریوار کی طرف سے ابھینندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں سامنے سے آئے سلام بہت ضرور ملا ہے آل آؤٹ ملتا ہوا نریندر کنڈولا ان کے سپرتر بہترین اینکل ہو گیا ہے جن کو بھی پیار سے گاؤں میں نتے کے نام سکتا دیا پہنچنے پر ہم ابھینندن کرتے ہیں سوال کا گیم دونوں ٹیمیں کوئی کسی سے کم نہیں ایک بار آل آؤٹ دیا تھا بہترین اینکل ہولڈ آن کا بھارت کو کیا ہے باہر بھارت لگاتار کھیلتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ دونوں بنگلور بلز کے کھلاڑی ہیں جانتے ہیں سترہ پندرہ دو پوائنٹ کی لیڈ اس سمے نیوی کے پاس ایم ڈی یو کی لیڈ ہے دو پوائنٹ سترہ پندرہ اسکور سترہ
ये ग्रीन कार्ड दे दिया गया अभी। 16-17 स्कोर बराबर मुकाबला टप से अभी फैला मुकाबला स्कोर बराबर 17-17 और ये स्कोर मेरे ख्याल से बराबर 22 नंबर खिलाड़ी को मध्यांतर का समय करिए करीब कार्ड दिया गया है रेफरी साहब की तरफ से 22 नंबर खिलाड़ी नंबर पाकिस्तान का है बोनस मिला है 1-1 ईच पॉइंट टैस मिला था देखने को लेकिन उससे पहले वो मैच लगाने का प्रयास बहुत काम करता है ये पवन रेड पे एमडीए की टीम की तरफ से बहुत खूबसूरत खिलाड़ी सभी टीमों में सभी शानदार खिलाड़ियों ने भाग लिया हर एक खिलाड़ी अपने आप में श्रेष्ठ होता है सेमीफाइनल महिला वर्ग का जल्दी से जल्दी दोनों टीम का बोल रहा है शहीद भगत सिंह कमांडर भी बागनेर ये दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पर रिपोर्ट करें और इस मैच का भी उद्घाटन समाप्त होने को है मेरा निवेदन है यूपी और अभी टीम से तो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है क्या बेहतरीन मल्टी पॉइंट एड और टीम को फिर लीड में लेकर आए हैं रोहित यूपी योद्धा के लिए रोहित और नरेंद्र एक जैसे खिलाड़ी बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं क्या डुबकी लगेगी क्या बेहतरीन ये रेड जबरदस्त ये रेड दो पॉइंट ये रेड हुई है हमारे को स्टार्ट ही दे वो लाइन क्रॉस होने के बाद टच हुए थे लेकिन कमाल की रेड दोनों तरफ से फिर स्कोर बराबर एक पॉइंट और पीछे से आए बैक होल्ड करना चाहते थे बेहतरीन प्रदर्शन नरेंद्र कंडोला बिल्कुल निरंतरता दिखा रहे हैं इस समय कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं नरेंद्र इस समय एक तरफ से भरत तो दूसरी तरफ से नरेंद्र बेहतरीन एक और पॉइंट नरेंद्र कंडोला बेहतरीन तमिल का स्टार हमारे अपने गांव से नरेंद्र मोदी क्या डुबकी एक बार फिर लगेगी लेकिन नहीं इस बार सामने से आए सुरजीत और एंकल होल्ड किया वो इसने कमाल का प्रदर्शन हम इस कबड्डी क्लब की तरफ से अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं और कोर्ट नंबर 2 पर पांच का डिफेंस बहुत कड़ा मुकाबला टक्कर का मुकाबला है दोनों टीमों को पेपर लाइनअप करवाए इन दोनों टीमों से प्रीत प्राप्त करेंगे सचिन दहिया श्री अमीर और श्री दिवेश और साथ में हमारे इस गांव के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री धर्मवीर उर्फ नाना ठेकेदार श्री कृष्ण नंबरदार श्री विकी नंबरदार एक और एमपी राज प्रतीक ध्वजा एक ऐसा नाम है सचिन भाई जो हर मुकाबले को बदलने की अहमियत रखता है और जसवीर पहलवान जी लगाइए लेकिन नहीं कमाल का डिफेंस खराब करते हुए चार मध्यांतर हो गया मध्यांतर के समय अगर स्कोर की बात करें 23-21 स्कोर 2 पॉइंट की लीड में इस समय हाफ टाइम के बाद एक बार गेम फिर स्टार्ट अभिनंदन करते हैं धन्यवाद करते हैं नेवी के पास कोर्ट नंबर 2 से निवेदन मैच शुरू करा दो बेहतरीन टच पॉइंट पवन का दान ऐसा खिलाड़ी है गेम को वापसी कराना बलिभूति जानता है और जब जब जरूरत पड़ी है तब तब वापसी कराई है 5 का डिफेंस बहुत रेंज पर गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ प्रतीक दैया 4 के डिफेंस में बबला गौ सेवक
उनसे मेरा निवेदन है कृपया आप मंच के सामने आए। बिरला गौ सेवा और भाई विकास तैयार गांगुली रक्षा मंत्रालय में कार्यरत, साथ में जसकेत तैयार हरियाणा पुलिस, आप सभी का भी अभिनंदन है, कृपया आप भी यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साथियों श्री अन्य नंबरदार जी के सुपुत्र भाई परवीन और मोटा इस प्रतियोगिता के लिए 1100 बॉलर्स का प्रयास, डुबकी लगाने का प्रयास सामने से आए प्रतीक, बहुत पकड़, ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। दो खिलाड़ी कोर्ट में, एक तरफ नितिन तोमर तो दूसरी तरफ आशीष नरवाल, किक लगाने का प्रयास और ये कमाल का आशीष का एंकल होल्ड, बेहतरीन टैकल देखने को मिला है, सुपर टैकल। स्कोर 26-26 और बराबर है 26-26, दोनों टीमें बराबरी पर। बेहतरीन मुकाबला, टफ मुकाबला, कौन पहुंचेगा फाइनल में, कौन खेलेगा यूपी योद्धा के साथ फाइनल मुकाबला। चला अंदर बेहतरीन लगाई है और पकड़ मिलती हुई बेहतरीन, फिर दो खिलाड़ी कोर्ट में, एक और बेहतरीन टैकल, क्या लेकिन नहीं मौका नहीं दिया इस बार प्रतीक धैया ने, ऑल आउट मिलता हुआ। प्रतीक धैया कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। ये जो खिलाड़ी जो अभी रेड पॉइंट होने आया था, 4 पॉइंट हासिल करे थे एमडीयू, एक खिलाड़ी इसकी रेड से खुश होकर हमारे बीच मंचा से बड़े भाई दिल्ली पुलिस में कार्यरत इस कबड्डी क्लब सिसाना के बहुत ही मेहनती सक्रिय साथी युवा समाज सेवी खेल प्रेमी भाई कृष्ण दैया दिल्ली पुलिस 2000 रुपए का पुरस्कार, जैसे ही मैच समाप्त हो अपने प्राप्त कर ले अपना पुरस्कार। 2000 रुपए की इनामी राशि मिली है उस रेड पर जो ऑल आउट दिया था। अब 6 पॉइंट की लीड में एमडी, एक और बेहतरीन टैकल, कमाल का प्रदर्शन करती हुई इस समय एमडी की टीम। टाइम आउट लिया है एमडीयू ने, 33-26 स्कोर, लीड 7 पॉइंट की समय। किक लगाने का प्रयास रोहित का, श्री रमेश जी को सावेज मिले हमारे मध्य में पहुंचे हैं, एक और एमडी रन देखने को मिली है। श्री सत्तू नंबरदार जी का कंडोला बिल्कुल निरंतरता से काम करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, लेकिन इस डुबकी को धराशाही किया, अभी भी जाने जा रही है और इस आयोजन कमेटी के लिए जबरदस्त गेम दोस्तों, कमाल का ये मुकाबला चल रहा है। सौरभ नंडल बैक होल्ड करना चाहते थे लेकिन काम किया भरते ने बाहर किया, लीड धीरे धीरे घट रही है, दिक्कतें बढ़ रही हैं एमडी रोहतक की। आठ मिनट के आसपास का समय है, एमडीयू अंतिम 8 मिनट इस मुकाबले में शेष।
سامنے سے آئے بلوک کر دیا امن اور پرتیب نے نریندر کنڈولا ایک بار پھر کک لگائی ہے رائٹ کارنر کو باہر کیا ہے نریندر جس کام کے لیے جانے جاتے ہیں وہ کام اب بخوبی کر رہے ہیں بالکل دوستوں کبڈی کھیل جس میں آخری منٹ تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میچ کس کروٹ ہوگا بہترین زبردست گیم کڑار بڑے مقابلوں سے ہر کے موقع پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی بہت ہی پاور نکالتا ہے سمے کاٹتے ہوئے کیونکہ جانتے ہیں ٹیم اس سمے لیڈ میں کھلاڑی اپنا دھیرے دھیرے لیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی پریاس کر رہے ہیں اس کا پریاس یہاں کامیاب نریندر کنڈولا کیا بہترین پردرشن نرنتر صاحب دکھتی ہوئی ان کے گیم میں بھرت اڈا نے اینکل ہولڈ کیا اور باہر کیا ہے اس بار بالکل بہترین میں دوستو ہار جیت بہترین مقابلہ زبردست ایک ہار سے ایک جیت سے سکندر نہیں ہوتا باہر کیا ہے فارن انڈل کو پینتیس تیس اسکور ہے پانچ پوائنٹ کی لیڈ لیکن چار کھلاڑی بچے ہوئے ہیں کوئی بھی ٹیم بازی مار سکتی ہے پلٹ سکتا ہے مقابلہ جب تک ہماری چار کے ڈیفینس میں کیا مل پائے گی کامیابی ملے گی امن کمال کر رہے ہیں بہادری پردرشن کر رہے ہیں امن اس لیے بس شانت رکھا ہے جیون کے اس سفر میں اپنا شریش شانت رکھا تھا میں نے بولا تھا شانت رکھا ہے اور پکڑ ایک بار اور ملتی ہوئی ٹائم آؤٹ کیا ہے دیوی نے لاسٹ پانچ منٹ کا سمے سے 31-36 اسکور 31-36 اسکور لیڈ ابھی بھی پانچ پوائنٹ کی پاور کا دھیان ایک بار پھر لاسٹ پانچ منٹ کا سمے شیش اور لیڈ پانچ پوائنٹ کی روہت تومر پانچ کے ڈیفینس میں لاسٹ چار منٹ کا سمے شیش کک لگانے کا پریاس موہت کو اور ہیڈر آؤٹ پانچ کا ڈیفینس لیڈ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے دقتیں بڑھ رہی ہیں نیوی کی کیا فائنل یو پی اور چش ایم ڈی روہ تک بھی دیکھنے کو ملے گا بہترین کے کمال کی کک پون کادیان کی ایک پوائنٹ اور انتم چھڑ چلتے ہوئے اس مقابلے کے اور انتم روپ دیتی ہوئی دونوں ٹیمیں اس مقابلے کو کون مارے گا بازی ایڈوانٹیج اس سمے ایم ڈی یو کے پاس امر کو باہر کیا ہے بہترین مقابلہ انتم چھڑ میں نریندر کنڈولا بہترین نتن تومر نے اینکل ہولڈ کیا اس کے بعد ڈیش کر دیا نریندر نے پانچ کا ڈیفینس جرسی بولنگ باہر کیا ہے موہت کو لیڈ چار پوائنٹ کے ایم ڈی کے پاس کمی بھی پلٹ سکتا ہے مقابلہ واپسی کرنے میں ماہر ٹیم نے بھی
लास्ट दो मिनट का समय से इस लीड चार पॉइंट की टाइम आउट लिया है नेवी ने मौका का बोला एक बार फिर स्टार्ट बेहतरीन रनिंग हैंड टच दिक्कत है बढ़ती हुई तीन खिलाड़ी कोर्ट में और डू और डाई भी आनी है एम डी रोहत तक की दिक्कतें बढ़ रही है अगर कामयाबी नहीं मिलती है पवन कादयान को अगली रेड साइड डू और डाई होनी है भाई भाई। प्रतीक तैया ने जबरदस्त डबल एंकल होल्ड किया और जो एक संभावना बन रही थी खारिज कर दिया थर्ड रेड टू अडाई रेड सभी ने आशीर्वाद दिया है कमाल का प्रदर्शन अब लीड छह पॉइंट पांच पॉइंट की लीड टू अडाई रेड है बेहतरीन टकल एक और बेहतरीन पॉइंट अंतिम क्षण में लीड मात्र तीन पॉइंट की फिर बची है दो खिलाड़ी बचे हुए हैं अगर क्रॉस ले ली गई है अगर यहां क्रॉस पे आउट होते हैं तो मुकाबला पक्ष में जाएगा नेवी के क्योंकि ये आउट तो एक खिलाड़ी बचेंगे या समय लास्ट होगा किक लगाने का प्रयास बहतरीन टकल समय हुआ समाप्त लास्ट खिलाड़ी बचे हुए थे बहतरीन मुकाबला देखने को मिला दोस्तों लास्ट समय में मात्र दो पॉइंट के साथ बाजी मारी अगर एक सेकंड या एक दो सेकंड और बचती तो बाजी मार टीम नेवी की थैंक यू धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो फाइनल होगा यूपी योद्धा वर्सेस एमडी रोहतक के बीच